आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लेकर शाहरुख खान का बयान क्या सामने आया, शिवसेना ने इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना लिया है और शिवसेना अब अपने ही अंदाज में इसे भुनाने में भी जुट गई है। पहले तो शिवसेना ने शाहरुख खान को लाहौर जाने की धमकी दी, फिर पार्टी के गुंडे सड़क पर उतरे तो भौ मचाने लगे। सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या सिर्फ अपनी संकीर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए शाहरुख खान जैसे किसी शख्स पर इस तरह से उंगली उठाई जा सकती है? जिन शब्दों का इस्तेमाल शाहरुख खान के खिलाफ किया गया वो भी एक जिम्मेदार पार्टी के द्वारा, पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा। क्या वाकई में हमारे देश में लोकतंत्र के नाम पर आजादी है कि आप किसी को कुछ भी कह सकते हैं? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब शिवसेना और उसके तमाम नेताओं को देना ही चाहिए। ये खुद को शिवसैनिक कहते हैं लेकिन तस्वीरें बयां करती हैं कि इनकी हरकतें गुंडे बदमाशों से बेहतर नहीं। ये इनका तरीका है गुस्सा निकालने का। गुस्सा ये कि इनकी मर्जी के खिलाफ ना कोई बोले और ना ही कोई अपनी राय रखे। बॉलीवुड के अभिनेता शाहरुख खान से भी यही गलती हुई थी कि आईपीएल पर बोलने से पहले इन गुंडों की इजाजत नहीं ली। जिस टीम के पास स्लॉट होगा वो जरूर, बहुत ग्रेट प्लेयर हैं, आई एम श्योर जिसके पास स्लॉट होगा वो जरूर उनको लेने की कोशिश करेंगे। हमारे स्लॉट्स तो खत्म हो गए, हमारे पास एक ही था, हमने शेन बॉन्ड को लिया। शाहरुख ने ये क्या कह दिया कि आईपीएल में पाक खिलाड़ियों को भी लिया जाना चाहिए था, शिवसेना भड़क गई। ये शाहरुख नहीं बोल रहा है, ये खान बोल रहा है। तो जाइए शाहरुख को बोलिए, जाओ लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में जाके रहिए, मुंबई में क्या काम है। महाराष्ट्र सरकार इस मुद्दे पर बस इतना कह रही है कि अगर किसी ने कानून हाथ में लिया तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। अगर कोई भी कानून हाथ में लेगा तो कानूनी कार्रवाई तो उसके ऊपर होगी, उसमें कोई शक नहीं है। राजनीति के मैदान में अपना घटता हुआ जनाधार बचाने के लिए शिवसेना एक बार फिर से मैदान में कूद पड़ी है, पर अपने विरोधियों से मुकाबला करने के बजाय शाहरुख खान जैसे अभिनेता और मुकेश अंबानी जैसे उद्योगपति पर अपना निशाना साध रही है। थाने से विक्रांत चौहान के साथ राहुल माजनी, मुंबई आज तक। ये कहां की राजनीति है जहां वोट बैंक को हासिल करने के लिए शाहरुख खान, मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन, इन सबों को धर्म और प्रांत के हिसाब से बांटा जा रहा है? क्या इन्हें हम देश का आइकॉन नहीं मानते? क्या हम इन्हें इनकी पदवी से नीचे गिराकर इन्हें बांट सकते हैं टुकड़ों टुकड़ों में कर ये तय कर सकते हैं कि आखिरकार ये किसके हैं? आखिरकार शिवसेना को यह अधिकार दिया तो किसने?